सर कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है। ये स्टेटमेंट कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे समझ पे चल सकता है मंदिर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मानवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 7 साल में 70 बार पेपर लिखे। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है? शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है? कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है? पेंशन मिलती है नहीं मिलती है? मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, सच बोलना चाहिए। मैं कर सकता हूँ। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूँ। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून है। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। प्रधानमंत्री जी, मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता ना के पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन पे चल सकते हैं मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और MSP नहीं मिलेगी। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर MSP दी जा रही है और ये दी जा रही है। सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी MSP पर खरीद जा रही है। स्पीकर सर, MSP विद लीगल गारंटी। स्पीकर सर, द इशू इज MSP विद लीगल गारंटी, नॉट जस्ट MSP। MSP इज बीइंग गिवन, द इशू इज किसान्स वांट MSP with legal guarantee which you are not ready to give. और अब एक नया फैशन निकला है, नीट 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 प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला।
अग्निवीर के परिवार से मिला, छोटा सा घर था, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का कर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, तीन बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो, ये कैसे देशभक्त है? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष साहब, देखिए स्पीकर साहब, देखिए राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है, सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय, अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए माननीय, ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है माननीय, सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है,
वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए आप इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है, हम इस स्कीम को नहीं चाहते। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते इससे दोनों से मिला, इसको अभी आंसर नहीं देंगे, आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है, मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं, ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा है, आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं।